प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का 10वां प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो का जो प्रश्न है, प्रश्न को पहले पढ़ लिया जाए। किसी AP का 17वां पद, देखिए क्या लिखा हुआ, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, इसका सारवांतर ज्ञात करें। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है इसका सारवांतर ज्ञात करें, अर्थात हमें D निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। प्रश्न में ही दिया हुआ है 17वां पद, हल हम कैसे करेंगे। यहाँ लिखा हुआ 17वां पद का संकेत हो गया T17। 17वां पद किसके बराबर है ये देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 17वां पद उसके, मतलब इस AP का 10वें पद से 7 अधिक है। 10वें पद का संकेत होगा T10। 10वें पद से 7 अधिक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब यह जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद में 7 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए हम 17वां पद का सूत्र जानते हैं, सूत्र होता है a प्लस 17वां पद पूछा जा रहा है, तो a तो सब में लगाना है और यहाँ एक घटा के d लिखना है, 16d। क्लियर हो गया। इधर देखिए 10वां पद है, तो 10वां पद का सूत्र होगा a प्लस एक घटा के d लिखना है, तो बताइए 10 में से एक घटाएंगे क्या होगा, 9d प्लस 7। क्लियर, हमको निकालना है d का वैल्यू। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ सारवांतर ज्ञात करें, सारवांतर का संकेत होता है d। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, इस सभी को इधर ले आएंगे, तो a प्लस 16d, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में a हो जाएगा, माइनस में 9d होगा, इधर 7 को इधर ही रहने देंगे राइट साइड, तो इधर 7 हो जाएगा। अब आप देखिए, अब यहाँ देखिए a यह प्लस में है और यह a माइनस में, तो a कैंसिल हो गया। अब ये 16d में से 9d घटेगा तो यहाँ बचेगा 7d, बराबर इधर बच गया 7। हमें तो d का वैल्यू निकालना है, तो d इक्वल टू होता है इधर 7 इस साइड आएगा तो बटम हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ गुना का संबंध है, तो 7/7, तो 7 कट गया, 1 बार में कटा, यानी d बराबर हो गया 1, यानी सारवांतर बराबर हो गया 1। समझ गए, ये आंसर हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, एक दो बार आप बनाइए और कैसा लगता है वीडियो हमें ज़रूर बताइए हमारे कमेंट में, और हमारे चैनल पर और भी इस तरह के प्रश्न कई दिए हुए हैं, उसे आप देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।